नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का जनगणना की सीरीज चल रही थी और पहले पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। सेकंड पार्ट हम लोगों आज देखेंगे। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके, और या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जनगणना सेंसस 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात सेक्स रेशियो को देखेंगे। चलिए देखते हैं देश का लिंगानुपात इस समय क्या है। तो देश का लिंगानुपात 943 है और कई बार ये पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो शीर्ष लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, और थर्ड है आंध्र प्रदेश, फोर्थ है आपका छत्तीसगढ़ है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले देखते हैं राज्य कौन से हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर सेकंड पर हो गया, थर्ड पर सिक्किम है, फोर्थ पर पंजाब है, और फिफ्थ पर आपका उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, 919 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, शीर्ष लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप सेकंड पर है, थर्ड पर आपका अंडमान निकोबार है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले दमन एंड दीव है फर्स्ट पर, और सेकंड पर आपका दादरा नगर हवेली है। चलिए अब लिटरेसी रेट को देख लेते हैं। साक्षरता दर, देश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है। तो 73% है, जो कि सबसे कई बार क्वेश्चन भी पूछी गई है एग्जाम्स में। अगला देखते हैं, पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। तो 80.9 है, और महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 64.6 है, 6%। 2001 से 2011 के मध्य वृद्धि कितनी हुई है, तो 8.16% हुई है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है। तो सरचिप मिजोरम का है, ये भी कई बार एग्जाम्स पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो शीर्ष साक्षरता दर वाले राज्य फर्स्ट नंबर पर केरल है, सेकंड पर मिजोरम है, थर्ड पर गोवा है, फोर्थ पर आपका त्रिपुरा है, और फिफ्थ पर आपका हिमाचल प्रदेश है। अब पुरुष साक्षरता दर जहाँ पे सर्वाधिक है उनको भी देख लीजिए थोड़ा सा। केरल है फर्स्ट पर, सेकंड पर आपका लक्षद्वीप, और थर्ड पर आपका मिजोरम है। अब साक्षरता दर भी हम लोगों ने देखेंगे कि न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य फर्स्ट नंबर पर जो है आपका बिहार है, सेकंड पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड पर आपका राजस्थान है, और फोर्थ पर आपका झारखंड है, फिफ्थ पर आपका आंध्र प्रदेश है। तो मैक्सिमम मिनिमम आप 3 ही याद रख लीजिए, वही बहुत है, उतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो फर्स्ट नंबर पर लक्षद्वीप है, सेकंड पर दमनदीप है, और थर्ड पर अंडमान निकोबार है, फोर्थ पर दिल्ली है, और फिफ्थ पर आपका चंडीगढ़ है। अब अगला देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाले दादरा नगर हवेली जो है आपका फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड पर पुदुचेरी है, थर्ड पर आपका चंडीगढ़ है। चलिए और देखते हैं आगे क्या है, न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले राज्य कौन से हैं। तो न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले राज्य हैं बिहार, अगला है बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है। चलिए आगे देखते हैं, किस दशक में निरक्षरों की जनसंख्या में सर्वाधिक कमी आई है। तो 1991 से 2000 के बीच में आई है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 2011 में भारत के कुल कितने लोग साक्षर हैं। तो 76.34 करोड़ लोग साक्षर हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 में साक्षर स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो 32.88 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो बिहार में है निम्नतम, 51.5% है। और देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है। तो अलीराजपुर मध्य प्रदेश का जिला है, जो न्यूनतम देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है।
चलिए ठीक है दोस्तों, ये पहले पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब एक या दो पार्ट में हम लोगों की पूरी जनगणना समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।